तो जो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ये काफ़ी हद तक जो हमने चैप्टर पढ़ रखा है स्टेट्स ऑफ मैटर उससे मिलता जुलता है। तो जो शुरुआत है इस चैप्टर की वो बेसिकली एक हिसाब से इतिहास है, ठीक है ना, हिस्ट्री है। तो मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो पूरा आइडिया है वो ये है कि मैटर को हम लोग जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते थे, मैटर को अगर हम इन्होंने एक बात लिखी कि रिचर्ड फिनमैन ने कहा है कि अगर एक लाइन में हमें अगली जनरेशन को ये इन्फॉर्मेशन पास करनी हो कि भाई सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पास करनी हो एक लाइन में, तो वो चीज़ होगी कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, ठीक है ना। तो ये जो एटॉमिक हाइपोथेसिस है ये पहले ग्रीक हम लोगों ने पढ़ा है, मैं आपके अनामिका को पढ़ा रहा हूँ कि ग्रीक फिलोसोफर और इंडिया में कन्नड़ करके एक साइंटिस्ट थे, वो लोग बहुत पहले से कह रहे थे कि परमाणु से मिलकर बनाए चीज़ें, ये सब बातें। लेकिन ये सब मामला हाइपोथेटिकल था, साइंटिफिक रूप से देखा जाए जब एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे लोगों ने बात की तो डाल्टन के टाइम पे एटॉमिक थ्योरी आई और फिर हम लोग तमाम तरह की बातें जानते हैं एटॉमिक थ्योरी के बाद कि गैसेज में एटम दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दूर दूर होते हैं, सॉलिड में पास होते हैं, इन लिक्विड में समवेयर इन बिटवीन होते हैं, ठीक है। और इस तरह की तमाम बातें करते जा रहे हैं, ये मैं ज़्यादा डिटेल में कुछ बताने वाला है नहीं, ये सब पहले सबको पता है। तो ये चैप्टर एक्चुअली 13.3 से शुरू होता है, बिहेवियर ऑफ गैसेस पे, ठीक है। उससे पहले की अगर पढ़ लेना चाहो तो, ना चाहो तो भी कोई विशेष बात नहीं, ज़्यादातर चीज़ें पता ही है, पढ़ लेना कोई बात नहीं, ठीक है। बिहेवियर ऑफ गैसेस में भी हमने सब चीज़ें पढ़ रखी हैं, ये बात अल्टीमेटली रियल गैसेस से सॉरी आइडियल गैसेस से शुरू होती है। तो उन्होंने बताया कि लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए पी वी इक्वल टू एन आर टी निकाल करके ले आए, ठीक है। तो पी वी बॉयल्स लॉ आ गया, ठीक है ना, चार्ल्स लॉ आ गया, पी वी इक्वल टू के टी हो गया, पी वन वी वन बाई एन वन, पी वन इक्वल टू पी टू वी टू बाई एन टू टी टू, ये सब बातें हमारी क्लियर हैं। पी वी इक्वल टू म्यू आर टी आ गया 13.3, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। हाँ, इसमें तमाम लोगों का बॉयल का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, चार्ल्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये हम लोग ऑलरेडी स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ चुके हैं। तो इसको भी मैं इस चेक क्लास में बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली जो चीज़ हमको पढ़ने वाली है वो ये ग्राफ्स हैं जिनको थोड़ी देर रुक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पर एक चीज़ जो यहाँ से निकल करके आई, इन्होंने एक इक्वेशन लिखी 13.4 जो इक्वेशन है उसके नीचे और 13.1 जो ग्राफ है उसके ऊपर, इन्होंने इक्वेशन को चेंज करके लिख दिया पी वी इज इक्वल टू के बी एन टी, ठीक है। पी वी इज इक्वल टू जैसे एन आर टी या म्यू आर टी जो था, यहाँ पे म्यू यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल के लिए था, ऐसे ही जब मैं दोनों साइड को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा तो कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, जो कि म्यू इंटू एवोगैड्रो नंबर है, और के बी क्या है, आर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये हमने नया कॉन्स्टेंट डिफाइन कर दिया, बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट, ठीक है। पर ये कोई खास बात नहीं है, हम लोग बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन को पर मोल ऑफ गैस की बजाय पर पार्टिकल ऑफ गैस की नजर से देखने लगे। तो पी वी इज इक्वल टू के बी कैपिटल एन टी हो गया, या प्रेशर इज इक्वल टू के बी स्मॉल एन टी हो गया, यहां स्मॉल एन कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, स्मॉल एन कंसंट्रेशन जैसा टर्म हो गया, ठीक है, वो नंबर डेंसिटी हो गया, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे एन नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम में, नंबर ऑफ पार्टिकल नॉट नंबर ऑफ मोल्स, इट इज एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल है इसलिए वो नंबर बहुत बड़ा हो गया, तो आर को जैसे नंबर जो है वो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई होकर बहुत बड़ा हो गया, तो आर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके जो आर बाई एवोगैड्रो नंबर था उसको के बी कर लिया गया, ठीक है। के बी जो है वो बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट के नाम से जाना जाता है, इसकी वैल्यू 8.314 है आर की वैल्यू, उसको 6 × 10⁻²³ से डिवाइड कर देंगे तो ये करीब करीब 1.38 × 10⁻²³ आ जाएगा। उसकी यूनिट थी जूल पर मोल पर केल्विन, इसकी सिंपली जूल पर केल्विन है, वो मोल जो था वो खत्म हो गया। दूसरा रिजल्ट जो आया वो ये हो गया कि अरे बाप, मेरी बुक में कुछ मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, rho RT by m naught। रो आर टी बाई एम नॉट, हाँ ठीक है, ठीक है।
तो जो हमारा ये नंबर डेंसिटी थी उसको अगर मैं मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ, ठीक है, तो P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम नॉट आ गई, जहाँ पर ये मेरे बुक में रो छपा नहीं है, ये रो जो है वो मास डेंसिटी हो जाएगी। इसमें ध्यान ये देना, अगर मैं एम नॉट जो मॉलिक्यूलर मास ले रहा हूँ वो ग्राम में ले रहा हूँ, तो मुझे नंबर डेंसिटी ग्राम में लेनी चाहिए, हालांकि आइडियली मुझे मास डेंसिटी ग्राम में लेनी चाहिए, ग्राम पर मीटर क्यूब, हालांकि आइडियल तरीका तो ये है कि सारी चीज़ें एसआई यूनिट में लें, यानी कि डेंसिटी में लूँ तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लूँ, आर की वैल्यू 8.314 लूँ, टी की वैल्यू केल्विन में लूँ और एम नॉट की वैल्यू किलोग्राम पर मोल लूँ। तो यानी कि जैसे मान लो मेरे पास नाइट्रोजन है तो उसका एम नॉट 28 नहीं है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना लेंगे 0.028 किलोग्राम पर मोल, ठीक है। तो आगे चल करके तमाम तरह के फॉर्मूले आएंगे जहाँ पे मॉलिक्यूलर मास यूज होगा। तो जिस तरीके से हम लोग अभी तक क्या करते थे, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम पर मोल में यूज करते थे, यूनिट की कंसिस्टेंसी के लिए अगर हम उनको किलोग्राम पर मोल में लिखेंगे तो हमारी गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। ये एक मेजर सोर्स ऑफ गलती है कि हम बाकी सारी यूनिट तो एसआई में लिख लेते हैं और मास को अगर मैंने फिर एसआई तो इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी, तो आंसर हमेशा गलत हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये सब इन्होंने बताया इसके बाद कि ये आइडियल गैस हो गई, और फिर अभी बताना शुरू कर रहे हैं कि भैया जो आइडियल गैस लॉ है वो वास्तव में फॉलो नहीं होता, ठीक। तो इन्होंने एक चीज ये पैरामीटर प्लॉट किया, पी वी अपॉन आर टी, ठीक है, जिसको मेरे में फिर गया पी वी अपॉन टी लिखा हुआ है, पी वी अपॉन आर टी है ना, फिगर 13.1 में वाई एक्स पे क्या है, अच्छा पी वी बाई म्यू टी है, भाई कहाँ उन्होंने फिगर 13.1 लिखा, और ये जो y एक्सिस पे 1 लिखा हुआ है, नहीं y एक्सिस पे जहां पे लाइनें सारी मिल रही हैं वो क्या लिखा हुआ है, हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर तो गलत बात हो गई, ठीक है। तो हम बेसिकली हमने ये बात उसमें केमिस्ट्री में ही पढ़ी थी, ये हम लोग पी वी बाई म्यू आर टी प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि z कहलाता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो अगर आइडियल गैस इक्वेशन सही होती तो पी वी बाई म्यू आर टी की वैल्यू हमेशा वन होती। अब इन्होंने दिखाया कि जैसे अगर मैं किसी गैस के लिए ये की प्लॉट करूं तो ये वास्तव में प्रेशर के साथ पहले घटता है फिर बढ़ता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो पी वी बाई म्यू आर टी की वैल्यू वन होती नहीं है। लेकिन अगर हम प्रेशर देखें तो देखो किस तरह का प्रेशर है, 200 एटमॉस्फेयर, 400 एटमॉस्फेयर, 600 एटमॉस्फेयर का है, ठीक है। इसका मतलब जो डिविएशन होंगे, जो बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ निकाला गया होगा, जब आइडियल गैस इक्वेशन निकाली गई होगी, तो भाई लोगों ने क्या किया होगा कि एक एटमॉस्फेयर, आधा एटमॉस्फेयर, दो एटमॉस्फेयर, इस तरह के प्रेशर लिए होंगे, और उस रेंज में जो पी वी बाई म्यू आर टी की वैल्यू है करीब करीब वन होती है। ये तो जब हम प्रेशर 50 एटमॉस्फेयर, 100 एटमॉस्फेयर, 200 एटमॉस्फेयर ऐसे ले जाते हैं तब हमको इसमें डिविएशन दिखाई देता है, ठीक है। तो लो प्रेशर पे, और देखो दूसरा चीज है T1 पे डिविएशन कम है, T2 पे ज़्यादा है, T3 पे और ज़्यादा है, और साइड में लिख दिया T1 ग्रेटर देन, T2 ग्रेटर देन, T3। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा था कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे डिविएशन नहीं होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे या टेम्परेचर घटाएंगे तो डिविएशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, ये रियल गैस की बात आ गई, ठीक है ना। दूसरी बात, जैसे फिगर 13.2 में क्या कह रहे हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा आइडियल गैस इक्वेशन के लिए होना चाहिए था वैसा ये ग्राफ जो है, आई थिंक वो डॉटेड लाइंस है, ठीक है, लेकिन रियल सिस्टम में देखो वो डॉटेड लाइन को फॉलो नहीं करता, तो फिर वहीं डिविएशन होने लगा, ये बात ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं अपने आप से, अगर तुमको याद हो जब हम लोग वान डर वाल्स इक्वेशन और उसकी प्रॉब्लम्स बार डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री के चैप्टर में, तो मैंने कहा था हम तुमको फिजिक्स में उसके बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे, तो ये मेरा इसको पढ़ाने का मन है, खैर कोई बात। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 13.7 में आकर के उन्होंने क्या कहा कि अगर मान लो एक गैस की बजाय एक से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेज हों
तो पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी चेंज होकर के पीवी इज इक्वल टू म्यू वन प्लस म्यू टू, अब तो म्यू एन आर टी हो जाएगा, तो इसको तोड़ देंगे तो ये पीवी इज इक्वल टू, सॉरी जो प्रेशर हो जाएगा वो म्यू वन आर टी बाई वी प्लस म्यू टू आर टी बाई वी, मेरे में फिर से मिस प्रिंटिंग है, इस तरह का टर्म हो जाएगा। तो जो म्यू वन आर टी बाई वी है उसको मैं पी वन कह दूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वन, ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ टू, और सारे पार्शियल प्रेशर का सम जो हो जाएगा वो टोटल प्रेशर हो जाएगा। ये तुम्हारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हो गया, ये भी हम लोग ऑलरेडी स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ चुके हैं, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। 13.3 देखो, चार्ल्स लॉ का वेरिएशन दिखा रहे हैं कि भैया ढंग से जैसी डॉटेड लाइन है वैसे पी वर्सेस वी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, नीचे आकर के इसमें फिर डिविएशन आने लगा, तो भी हम लोग इसके बारे में आराम से बात करेंगे, चिंता ना करना, ठीक है। सॉरी क्या बोल रहा हूँ, पी वर्सेस वी नहीं था, ये टी वर्सेस वी था, वो गलत बोल गया, ठीक है ना। चार्ल्स लॉ में एब्सोल्यूट टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम था, तो वो फिर स्ट्रेट लाइन नहीं, उसमें भी डिविएशन आने लगा, पर अभी हम लोग इसके बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं, थोड़ा रुक करके डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 13.1 क्या कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर इज 0.6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ गैस व्हाट इज कॉल्ड मोलर, अरे बाप रे बाप, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, एस्टिमेट द रेशियो और फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वाटर वेपर अंडर द अबव कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एसेंशियली इतना लंबा सवाल लिखा है, इसमें कोई समझ वाली बात नहीं है, जो जो वाटर वेपर है उसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है, ठीक। इसका मतलब एक नज़र से देखें जो वाटर है उसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और वास्तव में उस वाटर में भी फ्री स्पेस होगा, लिक्विड वाटर जो है उसमें भी फ्री स्पेस होगा, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि जो सारा का सारा स्पेस है ये एक्चुअल वाटर मॉलिक्यूल्स ने कंज्यूम कर रखा और उसमें बिल्कुल भी फ्री स्पेस नहीं है, तो भी क्या हो जाएगा, जब ये 1000 किलोग्राम वाटर को एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, तो एयर में जब वो जाएगा, सॉरी वेपर में जब जाएगा, तो उसकी डेंसिटी तो खाली 0.6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो 1000 किलोग्राम को 0.6 से डिवाइड करेंगे तो कितना नंबर आ जाएगा, 1000 को 0.6 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 से बड़ा कोई नंबर है, 1/0.6 की वैल्यू करीब करीब 1.6 होती है, हाँ तो ठीक है 1/ करके लिखा है ना, ठीक है एक ही बात है, तो यानी कि 1.6 इंटू 10^4 मीटर क्यूब हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जो 1.6 इंटू 10^4 मीटर क्यूब स्पेस है उसमें से खाली 1 मीटर क्यूब जगह एक्चुअली वाटर ने ऑक्यूपाई कर रखी है, बाकी सारी जगह खाली पड़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली वो चीज़ पहले तो 1 मीटर क्यूब ही पानी था ना, जो 1000 किलोग्राम पानी था वो पहले 1 मीटर क्यूब पानी था, अब वो जब वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ तो उसकी वॉल्यूम कितनी हो गई, 1.6 इंटू 10^4 मीटर क्यूब, लेकिन इस तमाम इस बड़े सा नंबर जो है बेटू थोड़ी सी गलती कर दे रहा हूँ, 1.6 इंटू 10^-3 हो जाएगी, ठीक है ना, 1.6 इंटू 10^3 हो जाएगी ना, तो इसका मतलब जो 1600 मीटर क्यूब जगह है उसमें से खाली 1 मीटर क्यूब जगह एक्चुअली वाटर वेपर ने ऑक्यूपाई कर रखी है और 1599 मीटर क्यूब जगह खाली पड़ी है। तो ये बात ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि करीब करीब वाटर जो है वो खाली पड़ा रहता है, जो एक्चुअल परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा वो कैलकुलेट करोगे तो 6 × 10^-4 हो जाएगा, 0.6/1000, ठीक है, तो इसका मतलब 0.06 × 1000/0.6 हो जाएगा, कितनी वॉल्यूम है, ठीक है, गैस की, ठीक है ना, 1000/1000, और उसमें से खाली 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम एक्चुअली वाटर वेपर की है, जब हम रेशियो ऑफ वॉल्यूम लेंगे तो 1/
ये वाला नंबर हो जाएगा 1600, ठीक है ना। तो 6 × 10⁻⁴ होता है, ठीक। दूसरा सवाल कह रहे हैं एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल यूजिंग द डेटा इन द अबव एग्जांपल। तो 1 m³ में 1000 kg पानी है, 1000 kg को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा तकरीबन इतने वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल अगर 1 m³ जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि वाटर में का मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। हाँ पक्का। तो ये सब मल्टीप्लाई करके देखा तो ये वॉल्यूम आ गई 3 × 10⁻²⁹ m³। और अब अगर हम लोग इसको 4/3 πr³ से डिवाइड कर दें तो वाटर का रेडियस करीब करीब, अगर हम उसको एक स्फीयर की तरह से देखें तो करीब करीब 2 angstrom आ गया, जो कि आना भी चाहिए था क्योंकि वाटर के बीच में O के साथ 2 HH बॉन्ड हैं और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो मुझे मालूम है हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ करीब करीब 1 angstrom की होती, तो वो थोड़ी बड़ी होगी तो करीब करीब 1.5-2 के आसपास वो नंबर आना चाहिए था। तो मैं बता रहा हूँ कि 2 में भी एक्चुअली जब हम इसको 2 भी एस्टिमेट कर रहे हैं तो अभी भी जगह खाली पड़ी है, वास्तव में 2 से भी कम होगा, ठीक है, बिकॉज एकदम बिल्कुल टच तो करेंगे नहीं, तो ये नंबर यहाँ जाए। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन वाटर, यूज द डेटा गिवन इन 13.1 and 13.2, ठीक है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा वाटर से इनका मतलब लिक्विड वाटर है या वाटर वेपर है, तो हम लोग दोनों का ही अंदाज़ा ले लेते हैं करीब करीब, ठीक है। तो जो लिक्विड वाटर है उसमें अगर मेरा रेडियस 2 angstrom आया है, ठीक है, तो तकरीबन तकरीबन अगर दो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो उनके बीच का एवरेज डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 angstrom, ठीक है, सेंटर टू सेंटर दूरी 4 angstrom हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं गैस को देखूं तो यानी कि वेपर फेज को देखूं तो वेपर फेज में करीब करीब 1600 गुना या करीब करीब 1000 गुना ज़्यादा वॉल्यूम ले रहा है, तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज एक मॉलिक्यूल को 1000 गुना ज़्यादा वॉल्यूम अवेलेबल है, ठीक है। तो जो डिस्टेंसेज हैं वो आर क्यूब पे डिपेंडेंट हैं, तो क्यूब रूट ऑफ 1000 करेंगे तो वो 10 times लार्ज हो जाएंगे, इसलिए जो इन तुम्हारा एवरेज डिस्टेंस है वो 40 angstrom के ऑर्डर का हो जाएगा, 4 का 40 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैंने ये सब रफ कैलकुलेशन है, मतलब हम लोगों ने 1600 को 1000 मान लिया तो 40 का 50 हो सकता है, पर ऑफ दैट ऑर्डर, मतलब काफ़ी जगह खाली पड़ी, बहुत ही थोड़ी सी वॉल्यूम वो एक्चुअली ऑक्यूपाई कर रहा है। ये एग्जांपल 13.4 में कह रहे हैं वेसल कंटेन्स 2 नॉन रिएक्टिव गैसेस नियॉन जो कि मोनोटॉमिक और ऑक्सीजन डायटॉमिक है, द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर 3:2, एस्टिमेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो मेरा रिलेशन है P = μRT/V, तो RT और V तो सबके लिए बराबर है, इसलिए रेशो ऑफ जो तुम्हारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो 3:2 हो जाएगा, ठीक है। P1/P2 = μ1/μ2 = 3/2, यही डाल्टन ने कहा ही कि एट द एंड ऑफ द डे पार्शियल प्रेशर आर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो 3/5 और 2/5 के प्रोपोर्शन हो जाएगा, यानी कि 3:2 का रेशो हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं द मास डेंसिटी, तो मास डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास इज इक्वल टू नंबर इनटू मोलर मास, ठीक है। डेंसिटी से परेशान नहीं होना क्योंकि डिनोमिनेटर में अपॉन वॉल्यूम है, वो तो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो मास डेंसिटी क्या हो जाएगी, नंबर इनटू मोलर मास अपॉन वॉल्यूम का रेशो, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गई, नंबर का रेशो 3:2 है, और चूंकि मैं यहां पर मोलर मास का रेशो ले रहा हूं इसलिए मैं चाहे वो किलोग्राम पर मोल में लूं चाहे ग्राम पर मोल में लूं एक ही रहेगा, तो नियॉन का 20 है और ऑक्सीजन का 32 है, 20.2 उन्होंने ले लिया ज़्यादा अच्छा कैलकुलेशन करने के लिए, पर हम लोग 20 ले रहे हैं, तो इसका मतलब 3/2 × 20/32, तो 20/32 को अगर मैं 20/30 मान लूं तो करीब करीब ये रेशो 1 हो जाता, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में 32 है तो 1 से छोटा नंबर हो जाएगा, कैलकुलेट किया उन्होंने तो 0.947 आ जाएगा, ठीक है, 3/2 × 20.2/32 करके रेशो आ गया, ठीक है।
अब ये जो 13.4 से काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस शुरू हुई है, ठीक है, इसको मैं बोर्ड पे आकर के, तमाम चीजें उन्होंने लिखी है, इसको मैं बोर्ड पे आकर के पढ़ना चाहूंगा, ठीक है। हम लोग जब एक काइनेटिक थ्योरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुकी रखी थी। ये जो थ्योरी है ये इस बात पे बेस्ड है कि बेसिकली जो गैसेस हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है, जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो हमेशा रैंडम मोशन में हैं और कभी कभी दीवार से टकराते हैं। दीवार से टकराते हैं तो मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, इससे प्रेशर डालते हैं, ठीक है, और जो कि मूव कर रहे हैं इसलिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और वो काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो तमाम तरह की बातें होती है, जैसे कोलिजन जो है वो इलास्टिक है, ठीक है, नंबर ऑफ द ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई द मॉलिक्यूल्स है वो निग्लिजिबल है, देयर इज नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल, इस तरह से कुछ कुछ पॉइंट है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस गैस को इन जो को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि इनमें दो अजम्पशन है जो कि एक्चुअली फॉल्स हैं। एक बात ये कहना कि प्रेशर जो है वो सही पिक्चर है बिकॉज देयर नो इंटर एटॉमिक फोर्सेज या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, ये बात गलत है, वास्तव में देयर विल बी सम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, तो हम उसमें थोड़ा सा प्रेशर वाले टर्म में कुछ करेक्शन देंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कहना कि देयर नो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, ये भी निगेटिवल है, कोई चीज है तो कुछ ना कुछ तो मैटर की डेफिनेशन ही नहीं, यही है कि इट ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम जरूर ऑक्यूपाई करेगा, ये वाली चीज गड़बड़ है, उसकी वजह से वॉल्यूम में कुछ करेक्शन देंगे। और उसके बेसिस पे एक चीज है जो कि वॉन डर वाल इक्वेशन कहलाती है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दी है लेकिन उस पर काफी सवाल जेई मेन में तमाम आए हुए हैं, नीट में आए हुए हैं, तो हम और जो हम लोग पिछली बार स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर यही कहा था कि हमको जाकर के फिजिक्स में पढ़ाएंगे, तो हम उसको काफी डिटेल में पढ़ाना चाह रहे हैं। तो इस मामले में जो मेरा पूरा ये वीडियो है, स्पेशली जो कैमरे वाली क्लास है, ये थोड़ा सा किताब से डाइग्रेस कर रही है, थोड़ा सा जाता है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो इसेंशियली क्या है, बुक से मैं थोड़ा सा अलग हटकर के बात करता हूँ, और एग्जैक्ट डेरिवेशन तो कहीं कोई पूछेगा नहीं पर बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो लोग क्या कहते हैं, सपोज करो मैं क्या करूं, एक एल बाई एल का एक कमरा ले लूं, ठीक है, एक रूम ले लूं या कोई वॉल्यूम है जो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन एल बाई एल का यू परफेक्ट क्यूब है, इसमें एक गैस का पार्टिकल देखूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये रैंडम किसी भी मोशन में मूव कर रहा होगा। तो मैं देखूं यार ये जो पार्टिकल है ये जब इस तरीके से टक्कर मारेगा एक वॉल पे, ठीक है, ये कौन सी वॉल है, ये वाई जेड प्लेन में दीवाल है, ठीक है, तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी है उसमें क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी सेम रहेगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी माइनस वी एक्स से प्लस वी एक्स हो जाएगा, क्यों, आई एम अज्यूमिंग कि ये जो दिशा है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसको डॉट 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 ऐसा, ठीक है ना, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड, ठीक है। तो जब इससे टकराएगा तो इसका मोमेंटम जो ट्रांसफर होगा, जो मोमेंटम चेंज हो जाएगा वो एम वी एक्स नेगेटिव से एम वी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, जो कोलिजन इलास्टिक है और दीवार अपने आप से मूव नहीं कर रही है, इसलिए जिस वेलोसिटी से टकराएगा उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब जो मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाई वन पार्टिकल हो जाएगा वो टू एम वी एक्स है, ठीक है, यहां पर ध्यान रखना मेरी भाषा में स्मॉल एम इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जो एक टक्कर मारी, ऐसे थोड़ी देर बाद दूसरी टक्कर मारेगा, तीसरी टक्कर मारेगा, ठीक है, तो दो टक्करों के बीच का जो टाइम होगा ये मेरा डेल्टा पी है न्यूमरेटर में, ठीक है, दो टक्करों के बीच में जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा,
2L अपॉन Vx, क्योंकि ये टक्कर मारने के बाद दोबारा कब टक्कर मारेगा, जब उधर जाएगा उस वाली दीवार में टक्कर मारेगा और लौट करके वापस इधर आएगा, ठीक है। इस दीवार में दोबारा कब टक्कर मारेगा, 2L by Vx टाइम के बाद, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। और ये डेल्टा P बाई डेल्टा T क्या चीज हो गई, फोर्स हो गया, ठीक है। मैंने कहा यार इसको ना एल क्यूब कर लें, ठीक है, तो ये अपॉन एरिया भी हो जाएगा, क्योंकि तो मैंने डिनोमिनेटर को एल स्क्वायर एरिया से डिवाइड कर दिया, तो वो एरिया इंटू लेंथ जो थी वो वॉल्यूम हो गई, पर यूनिट एरिया कर लूं तो एरिया से डिवाइड कर दिया, इधर भी एरिया से डिवाइड कर दिया, तो जो लेंथ थी वो एरिया से मल्टीप्लाई होकर के वॉल्यूम हो गई। तो नेट नेट बात क्या हो गई कि प्रेशर इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल, सॉरी प्रेशर शब्द में अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर पार्टिकल पर यूनिट एरिया है, ठीक है, फोर्स पर पार्टिकल पर यूनिट एरिया। मैंने कहा ये पर पार्टिकल क्यों बात कर रहे हो, ठीक है ना, इसको इनटू कैपिटल एन कर दो, ठीक है, यहां पे कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। अभी मैंने मोल की बात नहीं की है, एक मिनट रुक करके मोल की बात करूंगा, ठीक है, यहां तक कोई समस्या है? तो यहां से जो प्रेशर आ जाएगा, ये जो टर्म है, अब ये प्रेशर हो गया, ठीक है, क्योंकि आया हुआ है ये टोटल फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया। शिव को बहुत अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर से बात कर दूं, डेल्टा पी बाई डेल्टा पी था फोर्स बाई वन पार्टिकल, डेल्टा पी था मोमेंटम ट्रांसफर बाई वन पार्टिकल, अपॉन डेल्टा टी कर दिया था तो फोर्स ऑफ वन पार्टिकल, एरिया डिवाइड कर दिया था तो प्रेशर बाई वन पार्टिकल, लेकिन ऐसा एक पार्टिकल तो है नहीं, ऐसे बहुत ढेर सारे पार्टिकल साथ के फोर्स ऐड हो जाएंगे, इसलिए इनटू कैपिटल एन कर दिया, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर देता हूं, एन इंटू एम क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू मास ऑफ अ पार्टिकल, इसको मैं धीमे से कैपिटल एम इंटू म्यू कर देता हूं, ठीक है, ये जो एन एम था इसको मैं कैपिटल एम इंटू म्यू कर देता हूं, तो चाहे एक पार्टिकल के मास को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करूं या एक मोल के मास को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करूं, एक ही बात कर रहा हूं, ठीक है, मैंने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, कैपिटल एम को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया तो म्यू आ गया, और मास को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मॉलिक्यूलर मास, यहां से कोई समझता है, इंटू वी एक्स स्क्वायर बाई कैपिटल वी, ठीक है, तो यहां से मेरा रिजल्ट आ गया वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी अपॉन म्यू कैपिटल एम, ठीक है, पी बी ये वाला बड़ा भी था, ये मतलब वॉल्यूम वाला भी था, अपॉन म्यू कैपिटल एम, ठीक, अब भैया जैसे वी एक्स स्क्वायर है, आयुष लिखो मत, वीडियो में आ जाएगा तो बाद में देख लेना, अभी पे ध्यान दो ना, और कोशिश करना कि बाद में जो मोटे मोटे पॉइंट लिख करके खुद से डराइव करना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ऐसे बहुत ढेर सारे छोटे 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 सवाल बनते हैं, देयर इज नो रीजन कि वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी ही हो, इतना ही वी वाई स्क्वायर हो जाएगा, इतना ही वी जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, तो जो वी स्क्वायर है पार्टिकल की वेलोसिटी ऑन एन एवरेज वो पी बी बाई म्यू एम इंटू थ्री हो जाए, ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं ना। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी,
हाफ और एन ऊपर चला जाऊं मैं वापस इधर साइड में, तो मेरे पास बड़ा कैमरा, मैं तो कभी उसको वाले से यूज नहीं करता, ठीक है। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो वो हाफ ऑफ म्यू एम इंटू वी स्क्वायर हो गया, हाफ ऑफ टोटल मास इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहां पर कैपिटल एन स्मॉल एम को पहले ही न्यू कैपिटल एम में कर लिख लिया था, अगर मैं ये चीज एज सच कंटिन्यू करता तो ये म्यू एम वापस में वापस से कैपिटल एन स्मॉल एम हो जाता, तो टर्म क्या है हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल इंटू कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ मास, एक ही बात हो गई। तो ये म्यू एम कट जाएगा, ये 3/2 पी वी आर, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी, मैं जब बात करूंगा तो मैं काइनेटिक एनर्जी में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा, लेकिन जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं तो याद रखना कि हम मास को पॉइंट मास मान रहे हैं, मतलब जो मेरा मॉलिक्यूल अभी उसमें कोई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, आगे चल करके वो और ऐड करूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी से मेरा मतलब यहां पे हाफ एम वी स्क्वायर इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 पी वी, ठीक है, विच मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, पक्का। तो दिस मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, हाँ यहां पे आ गया, ठीक है ना। तो यानी कि पीवी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वाली बात आ गई, ठीक। तो थोड़ा बहुत इधर उधर चल करके फाइनली देखो ये इक्वेशन 13.17 पे आ गए, जहां पर हमने इसको चेंज करके लिख दिया पीवी इज इक्वल टू 2/3 इंटू टोटल काइनेटिक एनर्जी, या प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये प्रेशर की नई डेफिनेशन हो गई, ठीक है, हाँ कोई समस्या। अब मैं अगर पीवी की जगह पर म्यू आर टी लिख दूं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा चेंज करके यहां से टोटल काइनेटिक एनर्जी, जानबूझ करके टोटल शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दे, बिकॉज दो वर्ड अब आ जाएंगे, एक टोटल काइनेटिक एनर्जी और दूसरा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, दो अलग अलग शब्द हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3/2 पीवी को मैं लिख सकता हूं म्यू आर टी, लेकिन मैं म्यू आर टी की बजाय पे कैपिटल एन केवीटी लिख लूंगा, ठीक है, इस बात को बुरा ना मानना। चलो यहीं पे देख समझा दो, जो म्यू आर टर्म है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल इनटू गैस कांस्टेंट, इस म्यू को मैं कैपिटल एन बाई एवोगैड्रो नंबर लिख सकता हूं, ठीक है, और R को KB इंटू एवोगैड्रो नंबर लिख सकता हूं। तो ऊपर नीचे एवोगैड्रो नंबर कट गए, ऑब्वियसली म्यू आर टी तुम जानते हो, इसलिए मैं म्यू आर टी में काम ना करने के बजाय एन केवी टी लिख रहा हूं, ताकि तुम उसके साथ कंफर्टेबल होने लगो केबी के साथ, ठीक है। और यहां से कैपिटल एन को इधर भेज देंगे तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो हो जाएगी वो 3/2 केबीटी आ जाएगी, ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं पर मॉलिक्यूल, टोटल तो ऊपर वाली थी, उसको नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दिया, तो बाद में लिख लेना, वीडियो है ना। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या आ गई, 3/2 केबीटी आ गई। ये एक तरीके से आपने टेम्परेचर की डेफिनेशन दे दी, कि हम जिस चीज को टेम्परेचर कहते थे हम पहले क्या कहते थे, इट इज मेजर ऑफ द एनर्जी, लेकिन अब वो एग्जैक्ट रिलेशन आ गया और वहां से एवोगैड्रो नंबर आ गया, ठीक। सर
एक बार वो चीज जो है समझिए n into n से वो कैसे आया आपका mx mu। यार इतनी देर के बाद बात पूछोगे, कैपिटल n into स्मॉल m की यहाँ पर कैपिटल m into mu कैसे आया ना। कैपिटल n है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, इसको एवोगैड्रो को वहां देखो समझाया हुआ है, इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये मोल आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, और m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मास ऑफ वन मोल आ जाएगा, तो कैपिटल m आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 3/2 के टी आ गए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब यहां से तमाम तरह के रिजल्ट आने लगते हैं, जैसे मान लो कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल कितना, तो 3/2 के भी बता ही देंगे, ठीक है। दूसरा कोई पूछे कि वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, ऑन एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, यहां से ऊपर वाला रिजल्ट देखेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा कि हाफ से हाफ काट दें, ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ म्यू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 म्यू आर टी, ठीक है, ठीक। तो ये हाफ से हाफ काट देंगे और म्यू से म्यू कट जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 RT बाई कैपिटल एम आ गया, अब मतलब वी स्क्वायर इन वी स्क्वायर आ गया, ठीक है। आगे चल करके जब हम इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि यार ये जो वेलोसिटी शब्द तुम इस्तेमाल कर रहे थे ये गलत शब्द था, क्योंकि वेलोसिटी में तो एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है ये वास्तव में तमाम तरह के वी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू है। हमने ये वेलोसिटी कैसे निकाली, वी स्क्वायर को नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो टर्म है इसको हम स्पेसिफिकली वी RMS बोलते हैं, और ये कितनी आ गई रूट 3 RT बाई एम। आगे चल करके हम अलग अलग तरह की वेलोसिटी निकालेंगे और डिफाइन करेंगे, ठीक है। पर वी RMS का मतलब क्या हुआ, सबके वी स्क्वायर को ऐड कर ले और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर ले तो जो वेलोसिटी आएगी उसका रूट ले ले, ठीक है। वी RMS का मतलब है रूट ऑफ सिग्मा VI स्क्वायर बाई कैपिटल एम। ये एग्जाम्पल 13.5 कर रहे हैं जो कि काफी घटिया सा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको भी छोड़ देते हैं, बाद में देख लेना, सिंपल मैं कुछ और चीजें बताना चाहता हूं इसलिए इसको छोड़ दो। एग्जाम्पल 13.6 बहुत आसान है, इसको मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है, और 13.7 को भी छोड़ रहा हूं, कुछ और चीजें हैं जो मैं यहां से हट करके बताना चाहता हूं, उस पर ध्यान दो। तो सबसे पहली बात आ गई, जो ये बड़ा सा बॉक्स है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो हीट, इसके बारे में कुछ बात करना चाहूंगा और फिर वॉन डर वाल इक्वेशन के बारे में। ये वीडियो ऑफ करके फिर मैं आऊंगा।